अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आपको टोयोटा एक्वा के फ्यूज़ बॉक्सेस के बारे में बताऊंगा। टोयोटा एक्वा में तीन फ्यूज़ बॉक्सेस होते हैं, उनकी लोकेशंस ये हैं। पहला फ्यूज़ बॉक्स है आपका इस साइड पे, आपकी ड्राइविंग साइड पे। इसको ये यहाँ दबा कर से खोल लें। ये आपका पहला फ्यूज़ बॉक्स है और आपका सेकंड फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे पैसेंजर साइड पे, अगली साइड पे। इधर आपको जंप स्टार्टिंग टर्मिनल दिए और आपके थर्ड फ्यूज़ बॉक्स की लोकेशन है पैसेंजर साइड पे, ग्लव बॉक्स के नीचे लेफ्ट साइड पे। ये है आपका फ्यूज़ बॉक्स। हर फ्यूज़ बॉक्स के अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे फ्यूज़र्स की इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि वो फ्यूज़ किस चीज़ के लिए है। और ये जिस नाम देख सकते हैं इसके अंदर, मैं आप लोग के लिए एक जो इसकी ओनर्स मैनुअल है उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन सारों की दी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसी पे। ये डायग्राम टाइप ए फ्यूज़ बॉक्स की है और इस पे नंबरिंग दी गई है। और अगले जो इमेज है उसमें बताया गया है कि ये फ्यूज़ किस चीज़ का है और कितने एम्पेयर का है और कितना और सर्किट किस चीज़ का है, ये आप देख लें। ये डायग्राम टाइप बी फ्यूज़ बॉक्स की है और इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन, फ्यूज़ की डिस्क्रिप्शन, एम्पेयर और सर्किट दी गई है, देख लें। ये टाइप सी फ्यूज़ बॉक्स है और इसकी डिस्क्रिप्शन अगले इमेजेस में दी गई है कि कौन सा फ्यूज़ है और कितने एम्पेयर का है और कौन से सर्किट का है। जो बड़े फ्यूज़ हैं वो सारे आप हाथ से भी निकाल सकते हो, छोटे फ्यूज़ निकालने का तरीका फ़र्क है थोड़ा सा। ये लेफ़्ट साइड पे एक आपका टूल दिया गया है यहाँ पे, ये इसको आप निकालें। ये छोटे फ्यूज़ निकालने के लिए दिया गया। अब हम ये यहाँ पे 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है, 30 एम्पेयर का है और 20 एम्पेयर का है। अब ये 10 एम्पेयर का फ्यूज़ हम देखेंगे किस चीज़ का। ये हॉर्न का फ्यूज़ है, ये ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं, समझे कि ये ख़राब हो गया, इसको निकाल लें। इस पर आप ऐसे रखें, इसको दबाएं और बाहर खींच लें। अब वो फ्यूज़ तो ठीक है लेकिन हम हॉर्न चला कर देखते हैं अगर हॉर्न चलता है। हॉर्न नहीं चल रहा। अब हम इसको वापस डालते हैं उधर। ये अंदर चला गया, इसको वापस लगाए थे यहाँ पे। अब हम हॉर्न चला के देखते हैं, हॉर्न चला गया। इसी तरह ये टाइप ए फ्यूज़ की डायग्राम है, इस पे नंबर वन जो है वो फ्यूज़ ठीक है, सही है, और नंबर टू पे फ्यूज़ ख़राब है। ये टाइप बी फ्यूज़ है, पहला सही है और दूसरा ख़राब फ्यूज़ है। ये टाइप सी है, पहला सही है और इसमें दूसरा ख़राब है। और इसी तरह ये टाइप डी और ई है, इसमें पहला ठीक है और दूसरा ख़राब है।